बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान काफी समय बाद फिर एक बार बॉलीवुड में वापसी कर रहे हैं, जो कि अपनी फिल्म पठान को लेकर इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं, जिसमें हमें अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी इनके साथ नजर आ रही हैं और दोनों की जोड़ी भी दर्शकों को बेहद पसंद आ रही है। लेकिन दोस्तों, आप इन दोनों के बारे में तो काफी कुछ जानते होंगे, पर शायद ही आप इस बात से वाकिफ हैं कि अब तक के करियर में इन दोनों में से किसने की है सबसे ज्यादा फिल्में और किसकी हिट फिल्में ज्यादा हैं और कौन अमीरी के मामले में आगे है। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं, पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सबसे पहले बात करें बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्मों के बारे में, तो आपको बता दें कि शाहरुख खान ने अपने अब तक के करियर में कुल मिलाकर 60 फिल्में की हैं, जिसमें अंजाम, करण अर्जुन और बाजीगर जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में शामिल हैं। तो वहीं इनकी इन सभी फिल्मों में से कुल मिलाकर 37 फिल्में हिट गई हैं, जो कि दर्शकों ने इतनी ज्यादा पसंद की है कि दर्शक उन्हें आज भी देखते हैं। बता दें कि आज शाहरुख खान की टोटल नेटवर्थ 5,910 करोड़ है, जो कि काफी ज्यादा है, और अपनी इसी नेटवर्थ के जरिए इन्होंने मुंबई में एक मन्नत नाम का बंगला खरीदा, जिसकी इंटीरियर डिजाइनिंग इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि देखने वाले भी इनके इस महल के दीवाने हो जाते हैं। तो वहीं अपनी लाइफस्टाइल पर भी लाखों करोड़ों रुपए ये यूं ही खर्च कर देते हैं, जो कि अपनी लाइफस्टाइल पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं, और इससे इनका वार्डरोब कलेक्शन लाखों में चला जाता है। तो वहीं इनके पास लैंड रोवर, रेंज स्पोर्ट कार के साथ साथ टोयोटा लैंड क्रूजर, बीएमडब्ल्यू और जैगुआर जैसी महंगी महंगी गाड़ियां हैं। अब बात करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की टैलेंटेड और खूबसूरत अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की, जिन्होंने अब तक के करियर में कुल मिलाकर 28 फिल्में की हैं, जिसमें पद्मावती, बाजीराव मस्तानी, पीकू और रेस 2 जैसी फिल्में शामिल हैं। तो वहीं इन सभी फिल्मों में से टोटल 15 फिल्में हिट हुई हैं, और आज इन्हीं सब फिल्मों में काम करके इन्होंने काफी ज्यादा दौलत शौहरत कमा ली है, जिस वजह से आज इनकी टोटल नेटवर्थ 290 करोड़ है, और ये अपनी इसी नेटवर्थ के जरिए अपनी लाइफस्टाइल पर पानी की तरह पैसा बहाती हैं, जिन्हें काफी महंगे महंगे कपड़े पहनना पसंद है, जिसमें गुच्ची और अरमानी ब्रांड शामिल होते हैं। तो वहीं इनका मेकअप कलेक्शन भी बहुत महंगा है, जिसकी टक्कर शायद ही कोई कर पाए। तो वहीं आपको बता दें, इनके पास रेंज रोवर, ऑडी Q5 और जैगुआर XJL जैसी महंगी महंगी गाड़ियां हैं। तो दोस्तों, आपको अब तक अंदाजा लग ही गया होगा कि इन दोनों में से कौन आगे निकल गया है। जी हाँ, आप सही समझे, वो शाहरुख हैं जिन्होंने अब तक सबसे ज्यादा हिट फिल्में की हैं और अमीरी के मामले में भी आगे निकल चुके हैं। वेल दोस्तों, आप इनकी हिट फिल्में और अमीरी के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।